लेकिन एक बुरा वादा है, हेल्थ यूनिट का वादा पूरा किया, कम्युनिटी हॉल की भी हम लोग वादा पूरा किया गया। 30-40 हजार आवाम यहाँ पर रहता है, इनको घर के जो कोई, तो इसलिए बेलगछिया में एक तो कम्युनिटी हॉल का जरूरत बहुत जरूरत है, ये जरूरत दूसरा जगह से सबसे ज्यादा है। आपसे वादा है 1 साल का अंदर हम लोग कम्युनिटी हॉल का भी काम शुरू करेगा। जो मॉडल बस्ती सही से जिसको मॉडल बस्ती बोलता है वो हम लोग करके दिखाएंगे एमएलए एवं काउंसिलर। एक जो अतीन घोष ने जो किया है, इसके बाद जब कल हम जाएंगे पोर्ट इलाका में गार्डन रिच खिदिरपुर में, तो कहा जाएगा आपके नंबर 2 होके वो अपने जगह में कर चुके हैं और आप नंबर 1 होके इससे हमें महरूम रखें। मगर मैं शाबाशी देता हूं मेरे दोस्त अतीन घोष को। इंसान का जिसमें खैरत हो, जो भला हो, वो काम करना चाहिए और वही काम अतीन घोष कर रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद है कोलकाता के वार्ड नंबर 3 के बेलगछिया में, जहां पर आज पहली बार हेल्थ सेंटर का ओपनिंग आज यहाँ पर किया गया है। बता दूँ आपको कि कुल केएमसी के अंडर में जो 144 वार्ड है उनमें हर वार्ड में सिर्फ एक ही हेल्थ सेंटर मौजूद है, लेकिन बेलगछिया केएमसी का पहला वार्ड बन गया है जहाँ पर दो दो हेल्थ सेंटर बना दिए गए हैं। मैं बता दूँ आपको कि ये हेल्थ सेंटर जिस योजना के तहत, जिस स्कीम के तहत बना है, उस स्कीम का नाम है सैटेलाइट हेल्थ सेंटर, क्योंकि बढ़ते डेंगू की वजह से कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये फैसला लिया कि वो हेल्थ को लेकर और ज़्यादा काम करेगी। इसलिए हर वार्ड में अब, जैसा कि मेयर ने कहा कि हर वार्ड में अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सैटेलाइट अर्बन सेंटर बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, जिससे लोगों को और फ़ायदा होगा। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि प्रोग्राम में मौजूद लोकल काउंसिलर देविका चक्रवर्ती ने ये कहा कि वो इस मॉडल बस्ती में जो सिर्फ बोर्ड लगाया गया है वो बोर्ड नहीं होगा, अब से कुछ ही सालों के अंदर इसे मॉडल बस्ती भी वो बनाकर दिखाएंगे, ये लोकल काउंसिलर का कहना था। इसके अलावा एमएलए ने 1 साल के अंदर इस बेलगछिया में 1 साल के अंदर उन्होंने ये वादा किया है कि वो कम्युनिटी हॉल भी बना देंगे। तो ये बेलगछिया वालों के लिए, इस वार्ड के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम काउंसिलर, एमएलए और मेयर के द्वारा लिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि जिस मकसद से ये हेल्थ सेंटर शुरू किया गया है उस मकसद में वो कामयाब हो और आपसी तनाव का ये हेल्थ सेंटर शिकार ना हो। कोलकाता के वार्ड नंबर 3 बेलगछिया में केएमसी द्वारा पहली बार अर्बन हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के हाथों से हुआ। बता दें आपको कि वार्ड नंबर 3 केएमसी का पहला वार्ड बन गया है जहां सैटेलाइट स्कीम द्वारा दूसरा हेल्थ सेंटर बनाया गया है, जहाँ हेल्थ संबंधित हर एक सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे डेंगू, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सांस लेने में तकलीफ, थायराइड और भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। वहीं वार्ड नंबर 3 की काउंसिलर देविका चक्रवर्ती ने इलाके के विकास पर बात की, कहा कि इलाके में जो भी समस्याएं हैं उसको वो बारीकी से देख रही हैं और उस पर काम करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। साथ ही कम्युनिटी हॉल को बनाने का पक्का वादा एमएलए अतीन घोष और काउंसिलर देविका चक्रवर्ती ने किया। एमएलए अतीन घोष ने इलाके में कम्युनिटी हॉल और हेल्थ सेंटर ना होने की परेशानी बताते हुए कहा कि यहाँ के लोगों की जो परेशानी है उसको एक एमएलए होने के नाते दूर करना मेरा फ़र्ज़ है। वहीं प्रोग्राम में मौजूद बोरोवन के चेयरमैन तरुण साहा, वार्ड नंबर 6 की काउंसिलर सुमन सिंह और भी दीगर पॉलिटिकल और सोशल लोग मौजूद थे। तो आइए सुनते हैं पूरी खबर। देखिए हम लोग को मेरा इलेक्शन चुनाव में वादा था ये बेलगछिया आम के लिए स्वास्थ्य केंद्र और कम्युनिटी हॉल बनाएगा, तो पहले वादा पूरा हुआ। इसमें सैटेलाइट सेंटर भी बन रहा है बगल में, हेल्थ यूनिट सैटेलाइट सेंटर एक साथ काम करेगा, सबसे बड़ा हेल्थ सेंटर होगा ये दोनों मिला के। तो बहुत खुश है क्योंकि बेलगछिया करीबन 500,000 आवाम यहाँ पर रहता है। इस लोग को दूर 5 नंबर वार्ड में जाना पड़ता था, 6-3 नंबर वार्ड में व मनिंद्र रोड में जाना पड़ता था, तो तरुण साह का वार्ड में ज़्यादा पेशेंट जाता था। तो ये आज खुशी का बात है, देवी का काउंसिलर बना है, पूर्व जो काउंसिलर में की काम किया तरुण साह ने बहुत बड़ो चेयरमैन के होने के नाते से बहुत मदद दिया, तो हम लोग ये पूरा काम
संपन्न किया, अभी अधूरा काम है कम्युनिटी हॉल बनाना, वो लोग हम बनाएंगे। देखिए मॉडल बस्ती के बारे में, मॉडल बस्ती के बारे में मेयर साहब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। मेयर साहब अब बोला है कि आप जो पानी का बंदोबस्त था, अच्छे रास्ता और जो सॉलिड वेस्ट अर्थात जंजाल सफाई, ये काम और बत्ती का काम ठीक से चलेगा तो मॉडल बस्ती का ही रूप बन सकता है। तो अभी जो काम अधूरा है बस्ती का, वो काम अधूरा इसलिए है जो ये फंडिंग गवर्नमेंट से आता था, अर्बन डेवलपमेंट की फंडिंग, आधा फंड आया था आधा नहीं आया था, लेकिन मेयर साहब ने अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर है उनको पास हम लोग कागजात दिया है, उन्होंने बहुत जल्दी फंड सैंक्शन कर रहा है, बेलगा बस्ती का जो अधूरा काम बाकी है वो पूरा हो जाएगा बहुत जल्दी। हम कुछ नहीं किया, जो किया है अल्लाह ताला ने किया है। हम लोग माध्यम है, हम लोगों का जो डेप्यूटी मेयर, हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम लोगों का जो डेप्यूटी मेयर हम लोगों को विधायक मिला है, उनका बहुत काम करने का इच्छा है, उनके साथ हम भी है। एमएलए और काउंसिलर जब दोनों पैक्ट होकर काम करेगा तो वो वार्ड का उन्नयन होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी इलेक्शन में जब हम लोगों का जो कैंडिडेट रतिन घोष आया था, तब जो उसका जो निर्वाचनी जो प्रतिश्रुति था उसका पहला था हम लोगों का तो हेल्थ सेंटर, वो पूरा हो गया एक साल के अंदर अंदर। दूसरा है कम्युनिटी हॉल, अभी आज का दिन चला गया 16 तारीख, 17 तारीख से हम लोग कम्युनिटी हेल्थ के लिए एकदम मैदान में उतर जाएंगे और कम्युनिटी हॉल भी एक साल के अंदर अंदर हम लोग करके दिखाएंगे। और अपने पूरे देखिए बेलगछिया का जो गेट है उसमें आप बड़ा बड़ा करके आप जब जाएंगे तो देख सकेंगे मॉडल बस्ती लिखा हुआ गेट है, तो अंदर में घुसेंगे जब तब आपको दिखाई देगा कि रास्ता घाट उतना ठीक नहीं है, थोड़ा भांगा चोरा रास्ता घाट है। फिर लाइटिंग बहुत है, लाइट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नाला का जो पानी है ना वो बहुत बड़ा समस्या है, उनके लिए पूरा बेलगछिया में काम हो रहा है, पूरा डिसल्टिंग हो रहा है, जो ड्रेनेज डिपार्टमेंट का जो इंजीनियर है वो लोग आके बाकेटिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और जो मॉडल बस्ती सही से जिसको मॉडल बस्ती बोलता है वो हम लोग करके दिखाएंगे एमएलए एवं काउंसिलर एक होकर। मैं वार्ड के काउंसिलर हैं और ये वार्ड हमसे बहुत लगुआ है, हर ओकेजन हर प्रोग्राम में हमें आए हैं, तो मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है। जबकि हम अपने भाषण में भी कहें, आप सुने होंगे कि ये बहुत बड़ी बात थी, ये जो बेलगछिया बस्ती है बहुत बड़ा अंचल है, इस अंचल में सबसे ज़्यादा अनिवार्य था ये होना और ये हुआ है, तो इसके लिए तो हम खुद एक काउंसिलर के हिसाब से अगर सोचे तो बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी था, हो गया है और अब इसको और बड़ा किया जाए, ये जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि कारण यहाँ बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं। इस आवाम के लिए सबसे बड़ी बात है जो हमारे तरफ से ये मैसेज है कि अब आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग जिनको वोट दिए हैं, आप लोग जिनको जिताए हैं, वो आपके लिए कितने सक्षम हैं और कितनी अच्छी तरह आपका कार्य कर रहे हैं। ये आप लोग को आज के इस हेल्थ यूनिट के ओपनिंग के बाद ये आप लोग को एहसास हो जाना चाहिए कि आप लोग जिन्हें वोट दिए हैं वो आपके लिए कितना सोच रहे हैं। अभी एक साल हुआ ये कार्य हुआ, ऐसा बहुत सारा काम होगा, बड़ा काम हुआ है, पूरा मोहल्ला का एक बहुत कारनामा अंजाम हुआ। हम लोग बहुत खुश हैं और हम आइंदा उम्मीद है आइंदा हमारा जो काम है कम्युनिटी हॉल का वो भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा टीम मिला हम लोगों को, टीएमसी का एक टीम ऐसा है खास बेलगछिया हल्का में एरिया में, बहुत बड़ा काम हुआ है जो सही है, अच्छा है, सब कमीशन कर रहा है अपना पार्टी का कैंडिडेट का, हमारा काउंसलर है, हमारे एमएलए है, ये हमारे ये चेयरमैन है, बहुत अच्छा हम लोग कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।